everyone, welcome to our channel GEM. In today's video we are going to discuss about tenses. Tenses जो कि English grammar का एक बहुत ही important topic है. क्या होता है कि जब भी हम spoken English की classes के लिए कोई भी कहीं जाता है तो सबसे पहले हमको tenses सिखाए जाते हैं. It means कि अगर आपको tenses आ गए तो आप समझ सकते हो कि आपको 50% तक grammar आ गई. क्यों? क्योंकि sentence formation के लिए सबसे ज़्यादा important टेंसेस ही होते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आपको टेंसेस के रूल नहीं समझ आते. पहली बात तो टेंसेस की 3 टाइप्स हैं, मोर ओवर इनकी 4 सब टाइप्स हैं. जब बच्चे रूल्स को पढ़ने बैठते हैं तो वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इंडेफिनेट, क्या कॉन्टीन्यूस, क्या परफेक्ट, तो वो रूल्स में इतने उलझ जाते हैं कि वो उसको वहीं छोड़ देते हैं. बट मैं आपके लिए एक ऐसा गोल्डन रूल लेके आई हूँ, जेम रूल लेके आई हूँ, जिसकी वजह से अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो आप इसको आसानी से समझ लोगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज टेंस? दैट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन. हमें क्या टेंस कैसे क्या पता चलता है कि एक्शन कब हुआ. ठीक है, तो इसकी जो टाइप्स होती हैं ये 3 तरह के होते हैं टेंसेस. वन इज प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर. प्रेजेंट टाइम विच टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंट, दैट इज वर्तमान काल, जो टाइम अब चल रहा है. ठीक है, जब हमें उसके बारे में पता चलता है तो वो होता है प्रेजेंट. पास्ट भूतकाल, बीता हुआ समय. अगर हम बीते हुए कल के बारे में बात करें, जैसे मैंने कल समोसा खाया, मैंने बोला, तो वो बीता हुआ कल हो गया. ठीक है, वो भूतकाल. और फ्यूचर दैट इज भविष्य काल, दैट इज आने वाला कल. मैं कल पकौड़े बनाऊंगी, तो वो भविष्य काल हो गया. तो इस तरह से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और इंग्लिश में हमने इसको नाम दे दिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अब इनके आगे सब टाइप्स हैं जो कि तीनों में सेम होती हैं, तो उसको मिला के टोटल 12 टेंसेस हो जाते हैं. एक है इसमें इंडेफिनेट, वन इज इंडेफिनेट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो ये जो 4 टाइप्स हैं इसमें, अब इसमें क्या है कि मैं इसमें आपको रूल्स में ये भी बताऊंगी कि इनकी पहचान क्या है, इनमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और इसको आप अप्लाई सेंटेंस में कैसे कर सकते हो. तो मैं आपके साथ वो 5 जेम रूल्स डिस्कस करूंगी जिसके बेसिस पे आपको ये जो टेंसेस का फंडा है वो आसानी से समझ आ जाएगा. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है. एक तो चाहिए हमें सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए लिंकिंग वर्ब, देन वी नीड मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अब ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये तो आपको पता ही होता है, सब्जेक्ट नाउन होता है मोस्टली, या प्रोनाउन होता है, राघव, राहुल, सीता, गीता, मीता, या ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू. ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज लिंकिंग वर्ब, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज मेन वर्ब. अब ये हमें कैसे पता चलने हैं, ये हमें पता चलने हैं टेंस से. अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि कौन से टेंस के लिए कौन सा लिंकिंग वर्ब यूज होता है और कौन सा मेन वर्ब यूज होता है. अब जो लिंकिंग वर्ब है वो एक्चुअल में बी फॉर्म ऑफ वर्ब भी है. ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप लिख सकते हो. लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब के लिए मैं आपको रूल बता रही हूँ. अब लिंकिंग वर्ब है जो प्रेजेंट के लिए हमारे पास है डू, डस, हमारे पास है इज, एम, आर, और हमारे पास है हैज, हैव. ये हो गए आपके प्रेजेंट के लिए लिंकिंग वर्ब. जब भी आप प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो तो इनमें से कोई एक लिंकिंग वर्ब आप यूज करोगे. अभी अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वर्ब कहाँ यूज करोगे. पास्ट में आपके पास है डिड, आपके पास है वॉज, वर,
और आपके पास है had. अब जब आप past की बात कर रहे हो तो इनमें से ही कोई एक linking verb use होगी. And third one is future, जो कि भविष्यकाल है. उसके लिए आप यूज करोगे will और shall. वैसे अब शेल ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है, अब तो विल का ही यूजेज होता है, बट मैं आपको इसमें बता दूंगी, अगले वाले पार्ट में मैं शेल के बारे में नहीं बोलूंगी. विल और शेल प्लस बी और विल और शेल प्लस हैव. तो ये जो है आपके लिंकिंग वर्ब, हर एक जगह पे प्रेजेंट के लिए इनमें से कोई एक यूज होगी, पास्ट में इनमें से कोई एक यूज होगी, फ्यूचर में इनमें से कोई एक यूज होगी. बस आपने इतना सा याद रखना है, आगे जो मैं टेंस का चार्ट बना रही हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से. अब बात आते हैं मेन वर्ब की. मेन वर्ब क्या होती है? ईट, सिंग, डांस, प्ले, रीड, राइट, सिंग, एनी एक्टिविटी दैट इज मेन वर्ब. अब उसमें ये होता है, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ईट. ईट, ate, eaten, eating, eats. जो normally discussion होती है तो इन तीनों की discussion होती है. ये जो eating और eats है ये मैंने यहाँ पे add कर लिए आपके लिए और convenient करने के लिए. तो इसमें क्या होता है, ये जो eat and that is main verb one, ate two, eaten three, eating four, eats five. ठीक है, जैसे हम present, past, past participle करते हो तो ये तीनों उसी का पार्ट है. drink, drank, drunk, sing, sang, sung, play, played, played. इसके तो पूरा verb form का chart याद करना पड़ता है. अगर आप इस chart के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरा एक Facebook पे group है Swarn English Notes, उसका मैं link share कर दूंगी, तो आप उसमें देख सकते हो. तो इसमें क्या है, eat, ate, eaten. तो ये होगी V1, V2, V3, V4, V5. अब क्वेश्चन ये है कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज करनी है. सबसे पहले बात करते हैं V3 की, ये वाली. ये आपकी यूज होती है परफेक्ट. मैंने आपको पहले बताया कि परफेक्ट, इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चार सब टाइप्स है तीनों टेंसेस की. तो परफेक्ट जब मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो चाहे ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, सभी जगह पे यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो V3 ही यूज होगी. उसके बाद हम बात करते हैं V4 की. V4 आपका यूज होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में और ये यूज होगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. चाहे हम कॉन्टिन्यूस की बात करें, चाहे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कोई भी है, उन सब के लिए V4 ही यूज होगी. V4 एक्चुअल में अपनी कोई वर्ब नहीं थी, हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ हमने ing ऐड करके V4 बना दिया. तो ये V4 आपका यूज होता है कॉन्टिन्यूस, ऑल कॉन्टिन्यूस टेंसेज में और ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में. इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो आपकी वो यूज होती है पास्ट इंडेफिनेट के सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. अफर्मेटिव होते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. अगर आपको सेंटेंसेस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया कि हमें सेंटेंसेस की वीडियो मैंने इसमें डाली हुई है यूट्यूब चैनल पर, यू कैन वॉच दैट. सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और कहीं भी यूज नहीं होती. अब हम बात करते हैं वी वन की. वी वन आपकी यूज होती है इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट ऑल्सो. लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है. जो इंडेफिनेट है, अगर हम पास्ट इंडेफिनेट की बात करें, फॉर्मेटिव में तो हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर ली, लेकिन इसके जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी. ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है,
लेकिन उसमें थोड़ा सा रूल में डिफरेंट क्या है कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, लेकिन जो आगे वाला पार्ट है वो अभी बताती हूँ, और फ्यूचर इंडेफिनेट में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है। इसके बाद आ गया आपका V5 एक्चुअली क्या है, सिर्फ हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें हम या तो एस ऐड करते हैं या ES ऐड करते हैं, तो उसके लिए वो कहाँ पे यूज होती है, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होती है। बस ये जो है ये आपने खास ध्यान रखना है V3 परफेक्ट के तीनों टाइप्स पे, V4 कॉन्टिन्यूस टेंसेस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन ऑल थ्री टेंसेस, V2 सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में, V1 इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट, अभी जब चार्ट बनाऊंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और V5 प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी सिर्फ ये वाले प्रोनाउंस के साथ। सो चिल्ड्रन ये मैंने चार्ट बनाया है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप ये मेरी वीडियो देखोगे तो इस पूरे के पूरे चार्ट को आपने अपनी नोटबुक्स पे जरूर ड्रॉ करना है, जरूर बनाना है, क्योंकि जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट मैंने चार कॉलम्स बना दिए, इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दिस साइड में लिखूंगी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी टेंस की पहचान क्या होती है, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की, तो इसकी पहचान होती है लास्ट में हमेशा ही लगा होता है ता है ते है ती है, ये इसकी पहचान होती है। वह पढ़ता है, वह लिखता है, हम मंदिर जाते हैं, वह गाना गाता है, धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो गांदा है, वो जानता है, पंजाबी में एंड में लिखा होगा दा है दे है दी है, तो इस तरह से हमें पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड थिंग, जब भी हम किसी रूटीन की बात कर रहे हैं, हम किसी हैबिट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अब हम इसके रूल्स की बात करेंगे, हमें इसमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही, V1 सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो V1 है आपका, ये आपका यूज होगा विद आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। जो मैंने आपको जैसे बताया बिगनिंग में कि आई प्ले वी प्ले दे प्ले, राइट। अब अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही शी इट या सिंगुलर नाउन है, तो हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने, मैंने पीछे अभी बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V5 आपकी यूज होती है ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, ही प्लेस शी प्लेस इट प्लेस, राइट। ये हो गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब नेगेटिव की बात आई तब आप ये कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। जब नेगेटिव की बात है तो आपने सिर्फ V1 यूज करनी है, डू नॉट आपका आ जाएगा आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ, और डज नॉट आप यूज करोगे ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ। सेम इज द केस विद इंट्रोगेटिव, इसमें आ जाएगा डू और डज बिफोर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत जरूरी है क्वेश्चन मार्क, तो आपने हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है, डज ही प्ले डू दे प्ले डू वी प्ले डज इट प्ले। सो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट।
अब बात यह है कि आपने इसको कैसे यूज करना है। इंग्लिश हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया कि लास्ट में ता है ते है ती है लिखा है, पंजाबी में भी बता दिया, लेकिन इंग्लिश में आपको कैसे पता चलेगा? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, जब भी इनमें से कोई एडवर्ब यूज हुई है तो वहां पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। और हम इसको कहाँ यूज करते हैं? हम इसे यूज करते हैं रूटीन हैबिट के लिए, रूटीन हैबिट के लिए, डेली रूटीन के लिए, कभी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसके बाद जब आप कभी क्रिकेट कमेंट्री या कोई और देख रहे हो प्रोग्राम, तो टीवी में अगर आपने सुना होगा तो कमेंट्री में वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, जैसे सचिन हिट्स द बॉल, राइट। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं जो हेयर और देयर से होते हैं, हेयर द बस कम्स, देयर द बस गोज, वहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ऐसी कुछ एक स्टेटमेंट्स होती है जो पोएट्स के द्वारा, ऑथर्स के द्वारा होती है, और वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमास से पहले क्या लिखा जाता है, जैसे कीट्स सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो जो आपका सेज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। सो दिस वॉज अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? ता था, ते थे, ती थी, आ, ए, ई। वह मंदिर गया, उसने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, वह हर रोज मंदिर जाता था, उन्हें एक बड़ी सोनी मूर्ति बनाई, वो मेरे घर आया। तो ये जो पहचान है ये पास्ट इंडेफिनिट की है। इसमें मोस्टली जो होता है बीते हुए कल को बताने के लिए, येस्टरडे, पिछला हफ्ता, पिछला महीना, कल, ऐसे शब्दों का यूज होता है जो कि क्लियर कर देता है कि ये बीते हुए कल पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो इसको, इसमें हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि पास्ट इंडेफिनिट का सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है जहां पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और कोई टेंस ऐसा नहीं है या कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जहां पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करें। लेकिन जब नेगेटिव की बात आती है तो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव की बात आई तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई, और इंट्रोगेटिव में डिड बिफोर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, आपने सिर्फ डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में वो सब्जेक्ट से पहले आ गया। तो इसकी पहचान यस्टरडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन 2008, तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी पहचान कैसे होगी? आने वाला कल है तो एंड में क्या होगा? गा, गे, गी। वह मंदिर जाएगा, वह कविता पढ़ेगा, वह एक पुस्तक लिखेगा, वह मेरी बात मानेगी, ओ मेरी गल मनूगा, ओ कल मंदिर जाऊगा, ठीक है। तो वहां पे जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में आप क्या यूज करोगे? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनेट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल और शैल का यूसेज सब्जेक्ट से पहले होगा। विल बिफोर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि फ्यूचर इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो उसमें सिर्फ वी वन का यूसेज होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ भी हमने वी वन यूज किया, यहाँ भी हमने वी वन का यूज किया, यहाँ भी हमने वी वन का यूज किया, यहाँ भी 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 वी वन का यूज किया। इट मीन्स जब भी हमने इंडेफिनेट की बात करने, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो जो हमारी मेन वर्ब होगी वो वी वन होगी। और वी फाइव के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया और वी टू के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। वी फाइव आपकी यूज होगी सिर्फ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउंस के साथ, और वो भी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और वी टू आपकी यूज होगी पास्ट इंडेफिनेट के सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है अपना कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, क्या पहचान है इसकी? वह मंदिर जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, गीता खाना पका रही है। तो इसकी जो पहचान है वैसे ये रहा है, रहे हैं, रही है। इट मीन्स कि जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक्शन ऑलरेडी प्रोसेस में है। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने के टाइम वो एक्शन चल रहा है। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग द रूल्स टू यू। आप क्या कर रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तो वो जो सेंटेंस, ये कॉन्टिन्यूस हम कब यूज करते हैं, जब बोलने के टाइम वो एक्शन प्रोग्रेस में है, वो चल रहा है बोलने के टाइम। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वी फोर मैंने आपको क्या बताया, वी वन प्लस आई एन जी। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉट के यूसेज में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इज एम आर ये जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद वी फोर नॉट यूज होगा, फिर वी फोर यूज होगा। और इंट्रोगेटिव में इज एम आर बिफोर सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या है कि बोलने के टाइम वो एक्शन प्रोग्रेस में है, तो हमने वी वन प्लस आई एन जी दैट इज वी फोर यूज किया। ही इज ईटिंग, दे आर प्लेइंग, राहुल इज रीडिंग अ बुक, शीतल इज रिसाइटिंग अ पोएम। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेज है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होते हैं। अब कई बार होता है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूसेज वहाँ भी करते हैं जो कि टेम्पररी एक्शन हो। टेम्पररी इन द सेंस कि जैसे मैंने महाभारत एपिक पढ़ना शुरू किया, लेकिन जिस टाइम मैं उस बारे में बात कर रही हूँ मैं उस टाइम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे पढ़ नहीं रही, तो मैं क्या कहूँगी, आई एम रीडिंग द महाभारत दीज डेज, ठीक है तो वो एक्शन प्रोग्रेस में, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो नहीं है, वो टेम्पररी एक्शन है। तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। अब इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये जो ऐसे वाले एडवर्ब्स होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हम ऐसे ही, सब्जेक्ट, इसकी पहचान भी वही, रहा था, रहे थे, रही थी, रेया सी, रही सी, रहे सन, ठीक है, वो पढ़ रहा सी, गीता गाना गा रही थी, मेरी मम्मी खाना पका रही थी, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे पास्ट को शो करने के लिए, वॉज या वर। वॉज आपका यूज हो जाएगा ही शी इट सिंगुलर नाउंस के साथ, वर यूज हो जाएगा आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, वी वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, ही वॉज नॉट रीडिंग, दे वर नॉट प्लेइंग। फिर क्वेश्चन में वॉज वर बिफोर सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट। क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। मोस्टली इसमें क्या होता है, वैसे तो अगर हम पास्ट की किसी बात के बारे में बात कर रहे हैं तो
पास्ट कंटिन्यूस यूज हो रहा है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये चीज हो रही थी। जैसे मैं उसके घर गया तो वो खाना पका रही थी, तो कैसे इंग्लिश में लिखा जाएगा, शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई वेंट टू हर हाउस। सिंपल भी लिखा जा सकता है कि अगर हम कल के किसी टाइम मोमेंट की बात करें, माली पौधों को पानी दे रहा था, द गार्डनर वॉज वॉटरिंग द प्लांट्स, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ कंसर्न हो के वो आएगा, तो जब मैं उसके घर गया तो वह पौधों को पानी दे रहा था, तो ही वॉज वॉटरिंग द प्लांट्स व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस। तो ऐसे मोमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या पहचाना है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, वही तरीका है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, वो पियानो बजा रहे होंगे, वह गाना गा रही होगी। इसमें कोई पर्टिकुलर सर्टन मोमेंट पे कोई सर्टन प्रोग्राम है, सुनिश्चित प्रोग्राम है, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की यूसेज करते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो नॉट है आपका विल और बी के सेंटर में होगा, और इंट्रोगेटिव में विल बिफोर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें क्या कॉमन है, एक तो हमारे प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर तीनों में वी फोर कॉमन है। ठीक है, वी फोर वी फोर वी फोर वी फोर वी फोर वी फोर। प्रेजेंट में हमने ऐड कर, प्रेजेंट में हमने क्या किया, प्रेजेंट में हमने इज एम आर कर दिया, पास में वॉज वर, और फ्यूचर में विल। इसमें आपका ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, प्रेजेंट को शो करने के लिए इज एम आर, पास्ट को शो करने के लिए वॉज वर, सिंगुलर की बात हो रही है तो वॉज, प्लूरल की बात हो रही है तो वर, सिंगुलर की बात हो रही है इज, प्लूरल की बात हो रही है आर, आई की बात हो रही है आई एम, उसके लिए एम, और इसमें विल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस इज यूज जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है रीसेंट पास्ट में, अभी अभी कोई काम होके हटा है, तो उसके लिए हम परफेक्ट यूज करते हैं। तो इसके एंड में अगर हम हिंदी में पहचान करें, लास्ट में क्या होता है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। ठीक है, पंजाबी में चुकिया है, चुकी है, चुके हैं, वह खाना पका चुका है, वह गाना गा चुका है, वह स्टेज पर परफॉर्म कर चुकी है। तो जो एक्शन अभी अभी रीसेंट पास्ट में ख़त्म हुआ है उसके लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में हैज हैव बिफोर सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें एक तो ये है कि रीसेंट पास्ट में वो एक्शन होके हटा होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो एडवर्ब्स होती हैं, रिसेंटली, ऑलरेडी, ऐसी एडवर्ब्स यूज होती हैं। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, शी हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू मुंबई। तो ऐसे जो सेंटेंसेज है वहाँ पे हम परफेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के लिए चुका है, चुका सी, चुका, चुके सन, चुकी सी, चुका था, चुके थे, चुकी थी।
तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव्स में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ही हैड डन हिज वर्क बिफोर आई वेंट टू हिज हाउस। इसमें भी मोस्टली तो वैसे तो पास्ट परफेक्ट ऐसे भी यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट ऑल्सो। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। एक एक्शन इसमें खत्म हो चुका है और दूसरा खत्म होने वाला है। द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था कब, डॉक्टर के आने से पहले। तो ये जो पार्ट है डॉक्टर के आने से पहले उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, और जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग। देखो हिंदी में तो ये पास्ट परफेक्ट पीछे बोला जाता है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो घंटी बज चुकी थी द बेल हैड रंग कब, स्कूल पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच द स्कूल। तो सेकेंड पार्ट वो आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव्स में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में हम यूज करेंगे विल बिफोर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब फ्यूचर परफेक्ट आप कब यूज करते हो, जब एक्शन फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक पूरा हो चुका होगा। जैसे हम कहते हैं बाय मंडे ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वी विल हैव फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट वर्क बाय जनवरी, दिस कोरोना वायरस इफेक्ट विल हैव बीन ओवर बाय सितंबर। सो दैट मोमेंट वी नीड टू यूज फ्यूचर परफेक्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स कॉमन हियर। यू कैन सी वी थ्री इज यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट, वी थ्री इज यूज इन past perfect, v3 is used in future perfect. So ये main verb आपकी use हो रही है। Other thing present के लिए has a, past के लिए had और future के लिए will have. I hope it's clear. Now let's talk about the last category, that is perfect continuous. जैसे आप इसका नाम से देख सकते हो कि it is a combination of two. That is perfect and continuous. It means इस पे perfect का कुछ part रहा होगा और continuous का। तो देखते हैं इसकी पहचान कैसे होती है। से रहा है, से रहे हैं, से रही है। जैसे हम कहते हैं सुबह से लगातार वर्षा हो रही है, बच्चे सुबह से लगातार पढ़ रहे हैं, वे 1990 से इस मकान में रह रहे हैं, मैं पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। तो इसमें जो सेंटेंसेस हैं पास्ट में शुरू हुआ, जब हम प्रेजेंट में बात करें तब भी वो एक्शन प्रोसेस में है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसकी फॉर्मेशन वगैरह कैसे है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
वी फॉर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस टेंस में एक और खास चीज है, वो है यूसेज ऑफ सिंस और फॉर। यूसेज ऑफ सिंस और फॉर, जब हम कह रहे से रहा है, से रहे हैं, तो उसमें हम एक एडिशन क्या करते हैं सिंस और फॉर की। तो ये जो अपना सिंस है ये यूज होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जब एक्शन एक्चुअल में स्टार्ट हुआ वहां पे आप यूज करते हो सिंस, और एक्शन कब से चल रहा है वहां पे आप यूज करते हो फॉर। जैसे मैं कह रही हूं मैं पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रही हूं, तो मैं क्या कहूंगी आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। इसमें क्या आ गया, पीरियड ऑफ टाइम आ गया। अब मैं कह रही हूं कि मैं 2007 से पढ़ा रही हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2007। यहां पे मैंने सिंस का यूज किया जब मैं 2007 बोला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम पता चल रहा है। जब एक्शन एक्चुअली स्टार्ट हुआ वहां पे यूज करते हैं हम सिंस, एक्शन कितनी देर से चल रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर। और वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में यूज होगा, फ्यूचर में भी ऐसे यूज होगा, पास्ट में भी ऐसे यूज होगा। पास्ट परफेक्ट, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन वी फॉर ऑब्जेक्ट, हैड बिफोर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, यूसेज ऑफ सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यूसेज ऑफ सिंस और फॉर सब में रहेगी एज आई हैव टोल्ड यू द रूल। वे कई वर्षों से इस मकान में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि वो अब भी रह रहे हैं, उन्होंने मकान छोड़ दिया है, तो वहां पे हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव भी यूज कर सकते हो, प्लस बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस और फॉर आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, राइट। नेगेटिव्स में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर अकॉर्डिंगली, एंड देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल बिफोर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर अकॉर्डिंगली एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट। अब इसमें एक फ्यूचर में क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसी एक पर्टिकुलर किसी निश्चित टाइम तक जारी रहेगा। ये पास्ट में शुरू हो चुका, प्रेजेंट में भी चलता रहा, फ्यूचर में भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ये चलता रहेगा। तो से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, ठीक है। तो इसमें हमारी यूसेज क्या है, विल हैव बीन फॉर वी फॉर एंड देन ऑब्जेक्ट देन यूसेज ऑफ सिंस और फॉर। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, इसमें वी फॉर पास्ट में भी वी फॉर, फ्यूचर में भी वी फॉर, ठीक है। प्रेजेंट के लिए वही सेम रूल हैज है, पास्ट के लिए हैड ऐसी सेम, फ्यूचर के लिए विल हैव ऐसी। सो बस आपने ये रूल्स हैं जो आपने अपने माइंड में सोच के रखने हैं, याद रखने हैं, इसमें कोई ज्यादा फिक्स रूल नहीं है। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया, सिर्फ आपको एक लिंकिंग वर्ब याद रखनी है, वो मैंने इसमें आपके अंडरलाइन कर रखी है।
ठीक है, सिर्फ आपने लिंकिंग वर्ब याद रखनी है और आपने मेन वर्ब याद रखनी है, और इसमें कुछ भी रूल में डिफिकल्ट नहीं है। पहचान मैंने आपको सारे टेंसेस की बता दी है, फिर भी आपको कुछ डाउट है आप जरूर कमेंट करना, मुझे जरूर बताना कि ये चीज एडिशन हो जाए, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू।